कारण तो भाजपा का खौफ जो डर गई है भाजपा की कांग्रेस ही आगे एक जुट होके तो पूरी तैयारी से आए हैं। हम तो इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन हो। हमारे लिए ये नहीं है कि हमारे ये कैंडिडेट है, हम मौके बता देंगे हमारा कौन कैंडिडेट। भाजपा नहीं चाहती, इसलिए एसडीएम साहब को भी छुट्टी पे भेज दिया गया है। सरकार की मिली भगत के कारण जो है उन्होंने षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है। उस धार से डरती हुई अंदर एंट्री ही नहीं। नमस्कार, नगर परिषद कैथल के बाहर हूँ और जहाँ पर आपको पता ही होगा कि 17 तारीख आज हो चुकी है और आज उप प्रधान पद के लिए चुनाव होने जा रहा था, परंतु आज जो मीटिंग में हुआ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में चेयरपर्सन सुरभि के साथ साथ जो भाजपा समर्थित पार्षद है वो भी नहीं पहुंचे, परंतु जो कांग्रेस के 10 पार्षद है वो यहां पर पहुंचे। चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है इस मीटिंग में, पर आज जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय मैं आपको बता दूँ। निर्णय जो लिया गया है, जो 17 तारीख को चुनाव होने थे उसे आज स्थगित कर दिया गया है। आगे क्या कुछ होने वाला है ये भी देखने का विषय है। क्या कुछ उप प्रधान पद के चुनाव के लिए हो सकता है और कौन सी पार्टी दावा ठोक सकती है और कौन सी पार्टी आगे चल रही है, पीछे चल रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका क्या कुछ कहना है इनसे जान लेते हैं। सबसे बड़ा कारण तो भाजपा का खौफ जो डर गई है भाजपा की कांग्रेस ही आगे एकजुट होके, आप देख ही सकते हो कांग्रेस एक आवाज है। जैसे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक शेर दहाड़ता है, वैसे ही आज कांग्रेसी दहाड़ने के लिए आए थे और भाजपा उस दहाड़ से डरती हुई अंदर एंट्री ही नहीं की। वो उन्होंने बोल दिया गया कि अपने अपने घरों में रहो, नहीं तो कभी हमारे भाजपा वाले भी कांग्रेस की साइड में खड़े होंगे। तो पत्ते एकदम थोड़ी खोल लेंगे हम, अगर पत्ते खोल देते जो भाजपा डरी हुई है वो उनके ऊपर अटैक कर देती। तो हमारे जो 21 के 21 हैं, जब टाइम आएगा इलेक्शन होगा तो आपको मौजूद दिख मिलेंगे। नहीं होता, क्योंकि अगर जो चुनाव होता तो यहाँ के एसडीएम साहब हैं उनको बीमारी का बहाना ना करना पड़ता। जो मौजूद सरकार है उन्होंने उनको एक दबाव प्रेशर बना के बोल दिया गया कि आप अपना बीमारी का बहाना ये मेडिकल दे दीजिए और छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि हमारे जो पार्षद हैं उनके आपस में 5 पार्षद ऐसी हैं, वो कहते हैं मुझे वाइस चेयरमैन बनना है, वो कहते हैं मुझे बनना है, लेकिन कांग्रेस का तो वाइस चेयरमैन एक ही होगा जो हमारे लिफाफा बंद हमारे रामनिवास मित्तल जी के पास है, उसमें वो नाम बंद है हमारा, और हमारी एक ही आवाज़ है। जो भी 21 के 21 एमसी है एक ही हमारा कैंडिडेट होगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज मुँह की खा गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के खौफ से डर कर भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद थे और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जिन अधिकारियों को यहाँ तैनात किया गया था और भाजपा का शीर्ष नेता तो आज कहीं नगर परिषद में नजर नहीं आ रहा, ये उनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण है। कितने पार्षद पहुँचे थे मौके पर? हमारे लगभग 13 पार्षद मौके पर पहुँचे थे और 8-9 पार्षदों का हमें और समर्थन था, जिन्होंने हमें समर्थन देने का आश्वासन दिया था, और हम पूरी तैयारी में जो है नगर परिषद में आए थे। हमारा सारा ग्रुप एकजुट होकर जो है इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आया था, लेकिन एसडीएम साहब मौके पर ना आकर उन्होंने अधिकारियों के नेतृत्व में उनके दबाव में आकर जो छुट्टी ली है ये बड़ा घोर निंदनीय है। जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का ये इस तरह दुरुपयोग कर रही है भाजपा के नेतृत्व के लोग, भाजपा के सरकार के लोग, और भाजपा से कथित तौर पर मिले हुए अधिकारी, उन्हें किसी भी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। देख के तो बीजेपी वाले डर गए, इनमें ये दावा करते थे कि कांग्रेस में फूट है। कहाँ कांग्रेस में, कांग्रेस एक है, सारे पार्षद इकट्ठे खड़े हैं आपके सामने, फूट तो बीजेपी के अंदर दिख रही है, सारा शहर देख रहा है। भाई अगर उनमें एकता होती तो आते हैं इलेक्शन कराते। हमारे पास 12-13 एमसी अब मौके पे थे और ये मैसेज उनके पास चला गया कि मीटिंग कैंसिल हो रही है, इसी करके 5-7 आए नहीं। हम 20-21 के करीब हमारे पास एमसी है और बड़े दावे से बड़े विश्वास से ये शहरवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि वाइस चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का रणदीप सिंह सुरजेवाला का। चलो एसडीएम यू साहब से बात हुई है, कह रहे हैं एसडीएम साहब की तबीयत ठीक नहीं है। चलो एसडीएम साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो, लेकिन हमारे को थोड़ा पहले दिन मैसेज कर देते थे बीजेपी वाले के पास भी, तो पहले मैसेज गया है कल का, हमारे पास करने में क्या दिक्कत थी, हमारे को बताते थे, हमारे को एट ए टाइम ही बताया कांग्रेस पूरी की। आज हम 12-13 पार्षद यहाँ पे अपने ग्रुप के पहुँचे हैं और कोई क्यों नहीं आया, उन्हें किस चीज़ का डर है? जब प्रोसीडिंग या कोई लिखी जाती है या कोई किसी प्रकार की मीटिंग होती है तो उन्हें आना चाहिए, उन्हें डर किसका है? क्योंकि उनके खुद की उनकी फूट डली हुई आपस में, उनके धड़े बने हुए हैं कई। उनका 8 तारीख को एजेंडा जारी किया गया था, 17 तारीख की मीटिंग थी, 11 बजे उप प्रधान का इलेक्शन होना था, 10-12 हमारे पार्षद महोदय आए भी हैं बैठक में। एसडीएम साहब से मैंने बात की, उनकी तबीयत खराब है, वो छुट्टी पे चले गए हैं और आज की जो बैठक है वो स्थगित की जाती है। जब भी अगली बैठक की जो तिथि होगी उसका एजेंडा जारी किया जाएगा और सभी पार्षदों को नियमानुसार सूचित कर दिया जाएगा। आज का चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है।